हिंद की दोसार, जय जवान जय किसान। प्यारे बच्चों, पहले तो दोनों हाथ आकाश में खड़े करो, खड़े कर दिए। अब देश के संतों, सुधारकों, शहीदों को याद करो और फूल खिला करके एक बार ओम का उच्चारण करो। बोलो मेरे बात, ओम राष्ट्राय नमः, ओम राष्ट्राय नमः, ओम भारतम सुमंगलम प्रभातम। आज भारत का अमृत महोत्सव का सुमंगल का प्रभात हुआ है, और वो भी किसकी आजादी, एक बार आजादी मिली थी भारत की धरती को, भारत के लोगों को, और आज आजादी मिली है भारत के तिरंगे को। आप पूछेंगे कैसे, पहले तिरंगा झंडा केवल 12 घंटे लहरा सकता था सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, लेकिन आप झंडा कैसा लहराएगा, 24 घंटा 12 महीना और हर जगह। बहुत बड़ी बात है कि अब हमारे देश का तिरंगा अमृत महोत्सव के बाद दिल दिल में, घर घर में, गांव गांव में, और जैसे पहले मंदिर मस्जिद के शिखरों पर झंडा लहराता था, लेकिन आज भारत माता का झंडा देश के गिरिवासी, वनवासी, पर्वतवासी, शहरवासी, महल बंगलों, कार गाड़ी, मोटरसाइकिल, पैदल चलता आदमी और बच्चे बच्चे के हाथ में क्या है आज, वो भी कितने, 10 करोड़ तिरंगे झंडे, कितने, 10 करोड़ तिरंगे झंडे देश की धरती पर पहली बार लहरा है, वो भी कितने साल बाद, बोलो, 75 साल बाद। तो 75 साल पहले भी सरकारें थी, लेकिन आज हमारे झंडे को 75 साल बाद लहराने का मौका क्यों मिला, क्योंकि झंडा अब हमें क्या बना रहा है, अमृत पुत्र, बोलो, क्या बना रहा है, अब हम देश में विष देंगे या अमृत देंगे। अमृत देने के 3 काम, पहला काम, हम अपने शिक्षा जगत में गुरुकुल जीवन को वापस लाने वाले हैं, दूसरा काम, कृषि जगत में हम अपनी कामधेनु की घर वापसी करने वाले हैं, और तीसरा काम, हर आदमी के हाथ में हम काम देने वाले हैं। देश का कोई व्यक्ति अब ये नहीं कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए या मालिक बन करके देश में कोई उद्योग चाहिए, अच्छी खेती चाहिए, अच्छा स्वावलंबन चाहिए, बोलो, हमको मालिक बनना है कि नौकर बनना है, यदि मालिक बनना है तो कोई कला सीखना पड़ेगी, कोई उद्योग सीखना पड़ेगा, 2 पैसा कमाने लायक मैं बनूं और मेरे साथ 4 मेरे दोस्तों को भी काम पे लगा करके देश को आत्मनिर्भर बनाऊं। तो देश की आत्मनिर्भरता, हर युवा धन में एक जोश हो, एक होश हो कि मुझे अमृत महोत्सव के बाद मेरे देश को संभालने वाली अपनी अर्थनीति में, उद्यमिता में, उद्योग व्यापार धंधे कृषि में, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीविका का धंधा रोजी रोटी खुद तलाशे, तो फिर सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए ट्रेन जलेगी, शहर जलेगा, गांव जलेगा, देश दूर दूर तक सुना होगा, नहीं होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को आप देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो अंग्रेजों का, बोलो बोलो, डंडा खा रहे हैं, और किसको नहीं गिरने दे रहे, झंडे को, बोलो, अंग्रेजों के डंडे खाए थे, तिरंगा झंडा नहीं गिरने दिया,
उसका नाम था श्री राममत। अमृत महोत्सव पर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और कौन अमर रहे? वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की राष्ट्र ध्वज की तिरंगे के प्रति श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण और राष्ट्र की आजादी के लिए वो कितनी बार जेल गए? 4 बार। कितनी बार? और जेल जाकर के उन्होंने अंग्रेजों के डंडे भी खाए, जेल की रोटियां भी खाई, लेकिन आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष विराम नहीं किया। और जब आजादी मिल गई तो फिर एक नई आजादी में लग गए जिसका नाम था भारतीय संस्कृति, कि मेरा देश संस्कारों की दृष्टि से सुरक्षित रहे, विचारों की दृष्टि से सुरक्षित रहे। तो फिर उन्होंने क्या करा, समाज में एक नई क्रांति करी, आजादी की क्रांति। अमृत महोत्सव की क्रांति का मूल आधार क्या है? विचार क्रांति अभियान। क्या है? यदि विचार देश के नहीं होंगे, विचार समाज के नहीं होंगे, विचार यदि राष्ट्र प्रेम के नहीं होंगे, तो बताओ आज अमृत महोत्सव पे देश में गली गली में तिरंगा लहराता क्या? तो तिरंगा आया कहां से? हाथ में विचारों से। तो जो विचार हमारे महापुरुष छोड़ के गए थे उसको आज की सरकार ने, आज के समाज ने स्वीकार किया। इसलिए अमृत महोत्सव पर्व पर गायत्री धाम सेंधवा के गुरुकुल के बच्चे, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के परिजन 24वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे। क्यों, कौन सा? हमारे गायत्री धाम की गुरुकुल की स्थापना को कितना साल हो गया? 24 साल। तो गायत्री धाम की स्थापना का 24वां आज हमने अमृत महोत्सव का तिरंगा लहराया। बोलो भारत माता की जय।